गिव्स कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये रिएक्शन आपने किस कौन सी रिएक्शन के कंपैरिजन में सुपरसीड करवाई है? मतलब मल्टीपल रिएक्शन होती है ना, उनमें से फिर एक होती है, तो कौन सी रिएक्शन को रिजेक्ट किया है? हाइड्रोजन वाला। ओके, वेरी गुड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे दैट्स फाइन। कॉपर टू प्लस से कॉपर बन रहा है, बैलेंस बैलेंस तो चलो आप लोग कर लोगे। इसके बाद में और व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा सुनो, तुम लोग अगर चाहो, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोग अगर चाहो तो आज रुक सकते हो, कल का स्टे बैक मैं नहीं लगाऊंगा तुम लोगों का। द रीजन इज कि आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो आई कैन कवर अ लॉट्स ऑफ कंटेंट, मतलब इफ यू पीपल वॉन्ट, मतलब अपने को वीक में कल का स्टे बैक अपन हटा सकते हैं फिर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो कॉपर टू प्लस से कॉपर, हाँ हेली सेकेंड रिएक्शन कौन सी होगी? सेकेंड ऑक्सीजन, सॉरी ओएच माइनस गिविंग हाफ ओ टू ठीक है, प्लस एच प्लस। ठीक है। अब एक काम करो, मुझे बताओ ये ओ एच माइनस वाली जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड फॉर्म बताओ। यू आर सेइंग ओ एच माइनस गिविंग हाफ ओ टू प्लस एच प्लस। अब इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन किधर ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं? हाँ टू इलेक्ट्रॉन्स। प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके अच्छा, वी हैव नाउ द 1 month नेक्स्ट टाइमलाइन। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग बॉम्बे के साथ कॉमन टेस्ट देंगे, ये ध्यान रखना है ना। 2-3 दिन में उसका पूरा टेस्ट का प्लान आउट वगैरह जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं मैं दे दूंगा आप लोगों को। तो 1 महीने के अंदर अपने को ये अचीव करना है कि उसके बाद साल भर सारे जितने भी टेस्ट होंगे बॉम्बे के साथ कॉमन टेस्ट ही होंगे आप लोगों के बैच के। हाँ तो ओ एच माइनस गिविंग हाफ ओ टू प्लस एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब तोशत तुम मुझे बताओ ये जो रिएक्शन है ना, देखो द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इस बात को ध्यान से समझिए कि ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है आपके सामने, ये बेसिकली इट इज गुड फॉर सॉल्विंग डाउन योर प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर कहीं मुझसे पूछ लेता है ना किसी भी एग्जाम में कि ये क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, क्या चीज है ये, दिस इज ऑक्सीडेशन तो एनोड पे हो रही है, तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि एनोडिक रिएक्शन क्या होगी तो एनोडिक रिएक्शन ये मत लिख दीजिएगा, आप गलत हो जाएगा आंसर। तो शायद टेल मी वाई। नहीं, थोड़ा ऐसे समझाओ कि समझ में आए, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया तो इनको तो ऑब्वियसली नहीं आया होगा, वो हम लोगों का आईक्यू थोड़ा सिमिलर है। हाँ कुछ चमका नहीं, क्या कह रहे हो, थोड़ा सही से समझाओ। हाँ पहले तो जैसे करंट पास करेंगे तब मतलब हाँ H2O ब्रेक हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में, हाँ वो समझ गया मैं, आगे बोलो। एनोड पे दो रिएक्शंस पॉसिबल है, एक तो OH माइनस से हाफ हाँ ओ टू हाँ और SO4 2 माइनस से। अरे यार क्यों फालतू की स्टोरी सुना रहे हो, काम की बात करो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिंपल जी, वो तो सबको पता है यहाँ पे कि सल्फेट आयन वाली रिएक्शन रिजेक्ट होगी डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पे। तो वही तो बोल रहा हूँ कि H2O से H प्लस और OH माइनस बनेगा पहले और फिर आगे जाके OH माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और हो गया, कंप्लीट हो गया तुम्हारा आंसर। अबे क्वेश्चन तो ध्यान से सुन लिया कर पहले यार, मेरा लेक्चर चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इतने बेवकूफी भरे सवाल थोड़ी पूछूंगा यार तुमसे। मैं सिंपल कह रहा हूँ ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना एनोडिक रिएक्शन, ये एनोडिक रिएक्शन आप अगर रिएक्शन आपसे पूछता है वो कि व्हाट इज द एनोडिक रिएक्शन, तो आप ये नहीं लिख सकते हैं। बी वेरी स्पेसिफिक टू द आंसर ना, इफ ये जो जिसको अभी मैंने सर्कल किया आपके सामने, इफ दिस इज नॉट द एनोडिक रिएक्शन यू कैन राइट, देन व्हाट इज द एनोडिक रिएक्शन यू शेयर कैन नहीं हुई राइट। है, शेयर हाँ जी प्लीज कम बैक अगेन। नहीं हुई है स्क्रीन, हाँ शेयर नहीं हाँ हुई है। आई हैव हर्ड हाँ, उसको छोड़ो, वो तो मैंने बहुत देर से लिखी हुई है। ओ एच माइनस गिविंग हाफ ओ टू प्लस एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि प्लीज राइट डाउन द स्क्रीन पे एन, शेयर यार तोशद आई एम स्पीकिंग ऑल्सो द रिएक्शन ना, वाई आर वी वेस्टिंग सो मच टाइम, रिएक्शन बोल भी रहा हूं ना मैं और कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं तो इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है यार, सुनना ध्यान से कॉन्सेप्ट को। माई वेरी सिंपल क्वेश्चन इज कि ओ एच माइनस गिविंग हाफ ओ टू प्लस एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन। इफ द एनोडिक रिएक्शन इज आस्क्ड टू यू यू कैन नॉट राइट डाउन दिस रिएक्शन,
कैन यू टेल मी व्हाई? तो शायद एनी आइडिया? हाँ बोलो बोलो. जो रिएक्शन कैथोड पे हो रही है उसमें कॉपर 2+ से टू इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, और साइमल्टेनियसली H2O से H+ और OH माइनस जब बनता है तब OH माइनस का n फैक्टर होता है 1, और इस केस में OH माइनस का n फैक्टर 2 है. रिएक्शन रिएक्शन का क्या लेना देना है? रिएक्शन ये वाली क्यों नहीं लिख सकता हूं मैं? सिंपल क्वेश्चन इज देयर. छोड़ो क्या, यू डोंट हैव एनी आइडिया. देखो बेसिकली बड़ी सिंपल सी चीज है, व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द रिएक्शन ऑफ ओएच नेगेटिव रिफ्लेक्ट्स बेसिक मीडियम, और जब ये बेसिक मीडियम को रिफ्लेक्ट करता है ना तो इसकी बैलेंसिंग कभी भी इस तरीके की नहीं होती है. इन बेसिक मीडियम एट वन प्लेस यू आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक मीडियम एंड एट द सेकेंड प्लेस यू आर टॉकिंग अबाउट H+. तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं लिख सकते हो आप कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर कंप्लीट केमिस्ट्री में, राइट? तो आपको रिएक्शन को अब बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि टोटल रिएक्शन में H+ नहीं आए. तो उसका एक तरीका होता है कि जितने H+ आपको किसी भी एक साइड में दिखाई दे रहे हैं ना, वेदर लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, उतने ही OH नेगेटिव आप दोनों साइड में ऐड कर दो. तो देखो राइट साइड में अपने को 1H+ दिखाई दे रहा है ना, आई एम डूइंग नाउ विद ग्रीन कलर, आप एक OH नेगेटिव राइट में ऐड करो और एक OH नेगेटिव लेफ्ट साइड में ऐड करो. इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव अगर दोनों साइड में ऐड करोगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डू यू पीपल एग्री विद दिस? राइट. तो अब फाइनली देखो रिएक्शन क्या आएगी, आपके पास ये वाला OH माइनस और ये वाला OH माइनस मिल करके ये बन जाएगा 2OH नेगेटिव राइट साइड में, हाफ O2 एज इट इज रहेगा, और ये H+ और OH माइनस राइट साइड में मिल करके बन जाएगा H2O और +2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा, राइट? सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग डाउन द रिएक्शन. ये बस मैं कभी भी अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें फिर कंसोलिडेटेड हो जाती हैं चीजें, तो इतना इजीली दिखाई नहीं देता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सचेंज हो रहा है. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज द अपर वन बेसिक रिएक्शन, बट अगर आपसे रिएक्शन पूछी गई है कहीं पे भी, इवन CBSE एग्जाम में भी, तो आप नीचे वाली रिएक्शन लिखेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन नहीं लिखेंगे उसके अंदर. ये बात समझ में आई आप सभी को? किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके हाँ, तो शायद अब आप आगे बताना शुरू कीजिए. देखो मैंने कैथोडिक एनोडिक रिएक्शंस लिख लिए हैं, नाउ दिस इज फाइन विद मी. अब मेरे को क्यू पता है यहाँ पे, राइट? सिंस आई एम अवेयर ऑफ क्यू, अगर मुझे क्यू पता होता है तो आई थिंक मुझे डब्ल्यू बाई ई पता होता है. डू यू पीपल एग्री विद दिस? राइट, अगर मुझे क्यू पता है तो मुझे डब्ल्यू बाई ई पता है, राइट? अच्छा, डब्ल्यू बाई ई पता है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता है. मिली ये किसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं? व्हेन आई एम सेइंग कि मुझे क्यू पता है तो डब्ल्यू बाई ई पता है एंड डब्ल्यू बाई ई इज ऑब्वियसली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो किसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात कर रहा हूं मैं? मैन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की नहीं, नहीं देखो यू शुड नॉट आंसर कॉपर, कॉपर तो उसका एक सबसेट है. यू शुड आंसर कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आइदर एट कैथोड और एट एनोड, और एट एनोड, राइट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आइदर एट कैथोड हाँ या फिर एट एनोड, बिकॉज द रीजन इज कई बार ऐसा होगा ना कि कैथोड और एनोड पे एक से ज्यादा रिएक्शन भी हो रही होंगी, देन यू विल हैव टू एड ऑल द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. बात समझ में आई आप लोगों को? ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, कौन सा क्वेश्चन था वो याद कीजिए? नहीं नहीं सिक्स्थ में तो खैर वही यही वाला पूरा प्रोसेस में डिस्कस कर रहा था, बट आई एम सेइंग कि ऐसा हो सकता है. अभी तो आप क्या है एक एक रिएक्शन डील करते हो ना. अभी देखो आप लोग प्रिंसिपली क्या करते हो, आप लोग ये करते हो कि जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंशियल रिएक्शन है किसी भी इलेक्ट्रोड पे उसको लेकर के आप कहते हो कि ये वाली रिएक्शन होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. कई बार ऐसा होता है बहुत सिमिलर इलेक्ट्रोड वोल्टेजेस आ जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कैथोड पे दो रिएक्शन एक साथ हो रही हो और एनोड पे एक रिएक्शन हो रही हो, तो फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उन दोनों रिएक्शन के ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर थोड़ी होता है, इलेक्ट्रोड पे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है, राइट? अच्छा तो डब्ल्यू बाई ई पता है मुझे,
तो अब अगर इसके अंदर w बाई ई पता है, लेट इट बी कुछ x है विच इज अ नोन क्वांटिटी टू मी, क्योंकि वो q बाई एफ होगा और चार्ज मुझे पता है यहाँ पे. तो अब बात की जाए कि इट इज आस्किंग मी कि अब कॉपर 2 प्लस की फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगी. तो जानकी हाउ टू कैलकुलेट द कॉपर 2 प्लस फाइनल कंसेंट्रेशन नाउ ओवर हियर. व्हाट वाज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस अकॉर्डिंग टू यू? 15. पार्डन, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन 0.1 मोलारिटी है ना. अब ये तो थी इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है. अब कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? मोल्स बाय वॉल्यूम, राइट. तो अब इनिशियल मोल्स कितने थे? इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स 0.05. हाँ, तो एक काम करते हैं, मिली मोल्स लिख लेते हैं उसको, 5 लिख लेते हैं. वो 10^-3 लास्ट में हम लोग कर देंगे एडजस्ट, ठीक है. तो 5 मिली मोल्स थे, राइट. अच्छा, अब सिंस यहाँ पे 5 मिली मोल्स थे बेसिकली, तो अच्छा, अब ये जो x है, दिस इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर 2 प्लस कंज्यूम्ड. डू यू एग्री विद दिस? अच्छा, x इज द नंबर. एक मिनट, आपस में यार रुक जाओ यार, आपस में किसी की बात करने की दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए. मैं क्लास से उसी वक्त बाहर निकाल दूंगा आप लोगों को. एक्स इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कंज्यूम्ड ऑफ कॉपर 2 प्लस. अब मुझे ये बताओ कि अगर एक्स इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए हैं कॉपर 2 प्लस के, तो कितने मोल्स कंज्यूम हुए होंगे? कैन यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट्स और मोल्स को आपस में कैसे रिलेट करते हैं? एनी आइडिया? हाँ, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, राइट. एन फैक्टर कितना है कॉपर 2 प्लस का? 2. हाँ, 2 है इसका एन फैक्टर. यस यस यस, 2 है उसका एन फैक्टर. तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने कंज्यूम हुए कॉपर 2 प्लस के? 5. नंबर ऑफ मोल्स कितने कंज्यूम हुए कॉपर 2 प्लस के? पार्डन, अरे जानके दिमाग, जानके दिमाग लगाओ. टेक योर ओन टाइम, डोंट बी इन हरी. समथिंग व्हाट यू नो यू शुड नॉट गो रॉन्ग एटलीस्ट इनटू दैट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस कंज्यूम्ड, आराम से देखो. जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आसपास देखने की जरूरत नहीं है. ये दो चीजें करोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा. एक्स इंटू 2 होगा ना यार, इक्विवेलेंट कंज्यूम्ड अगर एक्स थे, इनफैक्टर 2 है, तो 2x मोल्स कंज्यूम्ड होंगे ना. हाँ, तो अब रिमेनिंग कितने बचेंगे? 5 माइनस 2x बचेंगे. हाँ, सर, 5 माइनस x बाय 2. इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, हाँ, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू इनफैक्टर है ना. हाँ, इक्वलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर. हाँ, तो इक्वलेंट अगर एक्स हैं तो वो एक्स बाई 2 हो जाएंगे मोल्स यहाँ पे इन दिस केस. तो अब जो रिमेनिंग बचेंगे, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अब जो रिमेनिंग बचेंगे वो कितने बचेंगे? दैट वुड बी 5 माइनस एक्स बाई 2, ये लेफ्ट होंगे. वॉल्यूम कितना है? अरे जान के, इसको 5 माइनस एक्स बाई 2 आपको नहीं लिखना चाहिए, अब आपको प्रॉपरली लिखना चाहिए 5 इंटू 10^-3 माइनस एक्स बाई 2. मिली मोल्स थे ना 5, तो राइट. वॉल्यूम कितना था? 50 ml था ना. तो ये तो मोल्स हैं फाइनल, इसको डिवाइड करो 50 ml से. 50 × 10^-3, दिस गोइंग टू बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस. एनी डाउट्स? क्लियर है?
पॉली सल्फेट आयन का क्या होगा? हेले व्हाट अबाउट सल्फेट यार, कितनी नॉइस आ रही है तुम लोगों के आसपास से, व्हाट इज द इशू? ओके ठीक है चलो। हाँ हेली सल्फेट आयन हाउ टू कैलकुलेट फॉर द सल्फेट आयन बी वेरी फास्ट सल्फेट आयन कैसे कैलकुलेट करूं उसकी फाइनल कंसंट्रेशन? इनिशियली इट वाज दिमाग लगाओ, आगे अपना दिमाग लगाओ, व्हाट शुड बी द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन? आई एम जस्ट आस्किंग दैट एंड फॉर ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट तोशद, फॉर ऑल ऑफ यू इट इज एक्सट्रीमली बैड कि मेरे कहने के बाद भी क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने रिव्यू नहीं किया है। दोबारा किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी लेक्चर में। सेम डे अगर रिवीजन नहीं हुआ ना, मैं आगे कोई लेक्चर नहीं लूंगा, ये ध्यान रखना। हाँ एनीवेज, तो सल्फेट आयन का क्या होना चाहिए? नहीं, गिव मी द लॉजिक व्हाट एवर आंसर यू आर गिविंग, आंसर में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। गिव मी द लॉजिक व्हाट एवर आंसर। अरे यार बाहर जाकर के आदित्य बोलो यार, कितनी नॉइस है यार, बाहर जाकर के उनको बोलो कि लेक्चर चल रहा है यार, वट एवर इट इज उनको बोलो कि यहाँ पे नॉइस ना करें यार प्लीज। अरे मेक योर एफर्ट, इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। मेक योर एफर्ट एटलीस्ट इन टू दैट ना, एफर्ट तो लगाओ उसके ऊपर। बोलिए बोलिए। अरे 0.1 मोलर रहेगा ना जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिएक्शन। किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कंसेंट्रेशन क्यों चेंज होगी? तो शायद एच प्लस कैसे निकालेंगे? उसका एन फैक्टर चेंज हो रहा है इसलिए हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे इक्विवेलेंट से। ओके एक मिनट, तो लिखने दो ना, एच टू ओ गिविंग एच प्लस प्लस ओ एच माइनस। हाँ आगे बोल, यस बोलो। हाँ दोबारा बोलो। एक मिनट। हाँ अब ओ एच माइनस गिविंग हाफ ओ टू प्लस एच प्लस। हाँ अब बोलो तो शायद आप क्या कहते हैं कि उसको मोल्स में कन्वर्ट करें। हाँ तो दैट इज फाइन। अब स्टार्ट कहां से करूं? दोनों रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट? आई वॉन्ट टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। तो शायद टेक योर ओन टाइम, बी स्ट्रक्चर्ड है ना। अब ये मत करना कि कुछ भी अजीब बता रहे हो, है ना।
हाँ बोलिए। सर क्या थोड़े पे एक्स मोल्स कंज्यूम हुए थे, एक्स इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हुए थे, यस इसलिए जो एनोडिक एनोडिक रिएक्शन है हाँ उसमें भी हम एक्स इक्विवेलेंट्स कंज्यूम कंज्यूम हुए ओएच माइनस कैसे लिखे। हाँ हाँ बिल्कुल। ओएच माइनस का एन फैक्टर टू है। एक मिनट, तो यहाँ पे सेकंड लेट्स राइट इट डाउन ना रादर देन जस्ट इस वे एन फैक्टर इज टू ओवर हेयर। रुको, हाँ नाउ इट इज शेयर्ड। तो एन फैक्टर इसका टू है ओ एच नेगेटिव का, राइट क्या कर रहे हो तुम लोग यार, एक बार में स्टेबल रखा करो चीजों को, अगर बार बार वही सब करना पड़ता है। एन फैक्टर इज टू, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप कह रहे हो एच नेगेटिव के एक्स थे जो कि कंज्यूम हो गए पूरे के पूरे। व्हाट नेक्स्ट शुड आई राइट ऑन द बोर्ड सर? सो अब हम लोग मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। हाँ तो एक्स बाय टू मोल्स ऑफ ओएच माइनस वाज कंज्यूम। हाँ तो एक हाँ तो एक मिनट रुको, तो मोल्स में अब कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यू आर सेइंग कि एक्स बाय टू मोल्स ऑफ ओएच नेगेटिव आर कंज्यूम फ्रॉम हेयर, और ये मतलब खत्म हो गए। अब बोलो आगे क्या करूं सर? तो x by 2 OH minus कंज्यूम हो गया, इसका मतलब पहली वाली जो रिएक्शन थी H2O giving H plus plus OH minus, उस वाले में x by 2 moles of OH minus form हुए थे। ओके, तो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हेयर कि x by 2 moles of OH negative वर फॉर्म्ड ओवर हेयर, और यही वाले जो x by 2 OH minus हैं, दिस इज बीइंग कमिंग ओवर हेयर, राइट? ट्रू yes. हाँ तो मतलब ये भी मैं साथ में लिख देता हूँ, बिकॉज यू वुड बी डेफिनेटली गोइंग टू से कि वो x by 2 बना था तो ये भी x by 2 ही बना होगा, H plus 1:1 मोलर रेशियो में बन रहा है ना। बाकी सब लोग देखते जाना, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, ऑल्दो तुम्हें लग रहा होगा कि थर्ड टाइम क्यों कह रहे हैं सर, यू पीपल कैन नॉट रियलाइज कि कितनी बड़ी मिस्टेक की है। अगर तुम सिक्स क्वेश्चन को रिवाइज करके आते ना तो तुम्हें इंटेंसिटी फील होती कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि सिक्स क्वेश्चन में मैंने ये भी बताया था कि पूरा सॉल्व करने के बाद कि व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक एवरी पर्सन डू। आगे से यार इसका ध्यान रखो, तुम जानते हो मेरे लेक्चर होते ही मतलब उस इंटेंसिटी से, तो थोड़ा सा करके आओ उन चीजों को, अदरवाइज गेन नहीं होगा एक्चुअली, वो तुम्हें लगेगा कि सब समझ में आ रहा है लेकिन जो गेन रिक्वायर्ड है वो नहीं होगा। एनीवेज चलो, ये मोलर रेशियो 1:1 में बनेंगे तो x by 2 बनेंगे, और यही OH माइनस यहां आकर के कंज्यूम हो गया। तो शायद व्हाट नेक्स्ट? हाँ रुक जाओ, अब वो भी एक्स वाई टू क्यों है, तुम भी नालायक हो एक नंबर के, देख लिया करो ना कल जाके क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसीलिए तो बोला था कि देखो जा करके। अरे भैया ट्वेल्थ में आ गए हो, मतलब मेरा लेवल जितना तुम लोगों ने देखा है उससे काफी ज्यादा है। लास्ट ईयर तो बहुत नालायक लोग थे इसलिए मैं पढ़ा ही नहीं पाया ढंग से, सीरियसली, इसलिए इस बार मैंने किसी और से इंटरेक्ट नहीं किया कि मेरा सब्जेक्ट डिग्रेड होता जा रहा है उन लोगों की वजह से। देखो सोचो, अब दिमाग लगाओ, यही तो बताया था कि ये सब मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब x बाई टू कहां से टपक पड़ा यहाँ पे, यही तो कैच था। दोनों रिएक्शन में x बाय 2 फॉर्म हो रहा है और टोटल मिला के x फॉर्म हो रहा है। अरे तो गलत कह रहे हो ना, दोनों रिएक्शन में x बाय 2 मतलब, पहले तो मेरे को लॉजिक बताओ ना, दोनों रिएक्शन, एक मिनट दोबारा बोलो क्या कह रहे हो तुम। हाँ तो गलत कह रहे हो ना, तुम्हें खुद ही गलत कह रहे हो, तुम्हें खुद ही दिखाई दे रहा है वो तो। अच्छा तुम नीचे वाली रिएक्शन से कर रहे हो, मतलब यू आर यूजिंग दिस स्टेप ना, ये वाली स्टेप यूज कर रहे हो तुम। चलो तो मेरे को बस ये क्लियर कर दो कि इफ आई यूज, अभी मैं जहां पे एरो लगा रहा हूँ, इफ आई यूज दिस स्टेप देन आई विल से कि एक्स इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस आर फॉर्म्ड, आई विल से दिस ना। स्क्रीन अभी भी शेयर नहीं हुई है, तो रुको यार पहले उसको शेयर कर लेते हैं ना, यू लेट मी नो दैट इट इज शेयर्ड देन आई विल ओनली मूव इट। हाँ इट इज शेयर्ड नाउ, मतलब क्या लोड हो रही है, क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट इज द स्टेटस? अभी भी हम आपको ही देख पाए। हाउ इज इट पॉसिबल सर? आप टीम व्यूअर से कर दो ना। एक मिनट रुको, हाँ मतलब दैट कैन आल्सो बी डन व्हेन इट इज कनेक्टेड, दैट इज ट्रू। तो दिस इज अनदर गुड आइडिया यू हैव गिवन, लेट मी स्टॉप दिस एंड इससे ही कनेक्ट कर देता हूँ ना। यार कैसे करना था मैं भूल गया, इससे कैसे किया करते थे अपन, क्या सर?
कैसे किया करते थे टीम इससे? की ओर से सर हमारे हमारे पेंट में आ जाओ ना, मतलब हमारा माउस ऑपरेट करके आप हमारे यहाँ पेंट खोल के लिख दो। नहीं, एक सेकंड, नहीं सर नहीं बनेंगे। क्यों? जितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होते हैं एक रिएक्शन में उतने ही इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। सर मतलब कौन से बोल रहा आप, उसी रिएक्शन में OH माइनस का एक्स इक्विवेलेंट कंज्यूम हुआ है? आई थिंक दिस इज द केस। मतलब इफ देयर इज नो कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू आस्क मी। क्योंकि इस केस में OH माइनस का एन फैक्टर 2 है। अरे एक्स इक्विवेलेंट, अरे एक मिनट यार, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, इस बात को समझो, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक टू द कॉन्सेप्ट्स। एक्स इक्विवेलेंट आपके हिसाब से इस रिएक्शन में कंज्यूम हुए हैं या नहीं हुए हैं OH नेगेटिव के? हुए हैं। ओके, जितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, यस। तो अकॉर्डिंग टू दिस इस रिएक्शन में एच प्लस के एक्स इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो एच प्लस के आपके हिसाब से एक्स इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। नाउ यू नो द फर्दर इशू, देन हाउ टू रिजॉल्व दैट। उसके आगे का इशू तो तुम्हें पता है। हाँ, तो हाउ टू रिजॉल्व दैट? और बाकी लोग अगली बार से पढ़ के आना सीधा डिफरेंस। इसके आगे का क्या इशू है तुम लोगों को अभी नहीं पता है। इसके आगे अब समझो कि इतना सीरियस इशू है कि इसके लिए भी मुश्किल काम हो गया है वो, कि कैसे रिजॉल्व करें उसे। तो आगे से ध्यान रखो कि बहुत क्रिटिकली पढ़ के आओ, 12th स्टैंडर्ड है अपना। हाँ, अरे यार सिंपल सी चीज है ना, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है जब, यस गधे हो तुम एक नंबर के, ये सबसे बड़ा इशू है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या इशू है? लगाओ उसके बाद में टोटल कितना आ रहा है, मोल्स निकालना उसके बाद एच प्लस के। एक्स आ रहा है कि 2x आ रहे हैं? एक्स सॉरी 1.5x आ रहे हैं। कैसी बातें करते रहते हो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1.5x आ रहा है। अरे इक्विवेलेंट क्यों 1.5x आ रहा है भैया, निकालना मोल्स निकाल। अब इतनी फास्ट कैलकुलेशन भी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता तेरा। अरे एक्स नीचे बना दिया तूने, इन फैक्टर 1 है। ध्यान से देख यार, इशू वहां पे है ना, वो प्रोडक्ट है ही नहीं बेसिकली, रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है ना, इसलिए उसको एक्स नहीं बना सकते। वो तो बैलेंसिंग के लिए लगाया है आपने, वो एच नेगेटिव से तो ओ टू ही बन रहा है। वाटर और ये जो एच प्लस वगैरह लगाते हो उनके लिए चीज एप्लीकेबल थोड़ी है कि जितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे उतने इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। इसीलिए तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन में बना रहा हूँ, इसीलिए तो यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं है, इसीलिए तो नीचे वाली लाइन में कर रहे हैं कि ये एक्स बाई टू था, उसके बाद में ये कंज्यूम हो गया, तो बेसिकली ये x बना और ये x बाई टू बना। ये सारा काम इसीलिए तो मोल्स के अंदर कर रहे हैं क्योंकि वो बैलेंसिंग वाली इक्वेशन आ गई है ना। वो तो केवल मेन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के लिए होता है जो आप कह रहे हो कि जितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे उतने इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो यहां से बनेंगे x बाई टू मोल्स एच प्लस के, और ऊपर जो x बाई टू मोल्स बने थे ये वाले, जिसके बाद मैंने अभी अभी सर्कल मार्क किया है, अब ये x बाई टू मोल्स तो एज इट इज रहे OH नेगेटिव के, तो x बाई टू मोल्स कंज्यूम हो गए और ये वाला एक्स बाई टू मोल्स एज इट इज रहा है ना। तो टोटल अब एच प्लस के कितने मोल्स हो गए सिस्टम के अंदर? हाँ, टोटल मोल्स ऑफ एच प्लस नाउ इन द सिस्टम इज एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, राइट? एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू हो गए तो टोटल हो गया ये एक्स। अरे सही, आजकल तो विजाई क्यू भी काफी अच्छा चलता है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू राइट डाउन ओवर हियर। हाँ, तो ये टोटल होगा एक्स। तो अब अगर ये एक्स हो गए तो बेसिकली हाँ ठीक है ना, अगर ये एक्स हो गए ना तो अब हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी, तो आ गया ना एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। एक्स तो मोल्स हो गए और दिस इज एक्स बाई 15 × 10⁻³। कोई डाउट? किसी और को कोई डाउट अब? नहीं, बाकी लोगों को डाउट है या नहीं है ये तुम्हें कैसे पता है यार? नहीं, उन्हें अपने आप बोलने दो, उन्हें भी समझ में आ रहा है भैया, तुम सेक्रेटरी थोड़ी हो सबके।
अच्छा ठीक है, चलो तो ये तो क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। ये वाला था इन अ फ्यूल सेल। तो 10th क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तुम लोग अपना दिमाग लगाओ अब यार क्वेश्चन नंबर 10 में। कुछ तो अपने आप भी सॉल्व करो, दिमाग लगाओ क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। डू इट फास्ट, क्वेश्चन ओपन कर लो, दिमाग लगाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखो कौन कौन सा करना है अभी अपने को, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 करना है, देन 11 करना है, देन वी हैव टू डू दिस। ये तो सब हो जाएंगे, 10 हो गया, 11 हो गया, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14। 14 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 10 11 14, बस ये अटेम्प्ट करते जाओ फटाफट। मोल्स ऑफ एच टू आर इक्वल टू 3, ये बात मुझे समझ में आ गई। और टाइम इसने दिया हुआ है शायद आपको, सो देन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द, हाँ टाइम दिया हुआ है, एवरेज करंट पूछा हुआ है ना उसने। टाइम इट इज गिवन टू यू, इट इज आस्क्ड यू द एवरेज करंट। अब आप कह रहे हो कि 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू। यार ये 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किए, ये नहीं समझ में आया मुझे। देखो पॉइंट इज इवन नॉट दैट, पॉइंट इज रिएक्शंस क्या हो रही हैं यार। जब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप रिएक्शन नहीं लिख सकते तब तक कुछ नहीं है, क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो व्हाट इज द रिएक्शन पहले कुछ, हाँ बोलिए, पार्डन, एक मिनट, एच टू से 2H+ फॉर्म हो रहा है, ये आई थिंक आपने फाइंड आउट किया बिकॉज वो कह रहा है कि H2 गैस इज ऑक्सीडाइज्ड। मिली, आई कांट हियर यू। हाँ तो लॉजिक, हाँ लॉजिक बताते जाओ मुझे कि H2 से 2H+ फॉर्म हुआ, देन O2 से 2O2 माइनस, O2 माइनस तो बनता ही नहीं है ना बेसिकली, इट्स अ हाईली अनस्टेबल स्पीशी, दैट्स द इशू। O2 से कभी भी बनाओगे तो OH माइनस बनाओगे, ध्यान रखिए। सो मेक इट OH माइनस, राइट। अब O2 से अगर OH माइनस बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या चेंज हुआ बेसिकली यहाँ पे, O2 से 2OH माइनस बनाना पड़ेगा आपको बैलेंस करने के लिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, चलो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट राइटिंग डाउन इलेक्ट्रॉन एट सम लेटर स्टेजेस। इसको यहां से भी मैं हटा देता हूं बेसिकली, अभी लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लिखते हैं पहले एक बार हाफ रिएक्शंस तो समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। हाँ तो O2 से 2OH माइनस बना, ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर इन दोनों को मतलब मैं ऐड करता हूँ तो नेट सेल रिएक्शन मेरे पास आ रही है दैट H2 प्लस O2 प्रोड्यूसिंग 2H+ एंड 2OH माइनस, राइट। दिस इज द नेट सेल रिएक्शन विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो बेसिकली ये तो 2H2O हो गया, अगर ये वाला जो पार्ट है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज एक्चुअली 2H2O, तो H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। अब ये पूछ रहा है आपसे एवरेज करंट पूछा, मोल्स ऑफ H2 डिपॉजिटेड, इसने बोला है 3 हैं, 3 मोल्स ऑफ H2 अभी इट इज टेलिंग मी कि दीज आर गेटिंग डिपॉजिटेड। तो 3 मोल्स ऑफ H2 इफ दीज आर गेटिंग डिपॉजिटेड, अब नाउ लेट मी थिंक इट ऑफ, रुको सोचने दो। तो शायद अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज क्या है, सी व्हाट माय क्वेरी इज एग्जैक्टली कि W बाई ई H2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 शुड बी ऑब्वियसली इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाई इट्स एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा,
हाँ ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है बेसिकली इसके अंदर तो डेफिनेटली H2 का इन्फेक्टर 2 ही होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? ओके तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 आर कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 6 एंड दिस इज इक्वल टू IT/F। इसको आप IT/F के बराबर कर दीजिए, राइट? आउट ऑफ विच यू नो टाइम, यू नो फेरेडे, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट करंट एंड दैट वुड बी योर आंसर। ये बात समझ में आई आपको? हेली हाउ टू कैलकुलेट, इसी क्वेश्चन में उसने भी पूछा था कि कॉपर का डिपोजिशन में कॉपर का कितना वेट होगा, तो हाउ टू कैलकुलेट फॉर दैट? बोलिए। कॉपर के 3 मोल्स क्यों प्रोड्यूस होंगे? अरे यार तुम लोग मतलब कमाल के आदर, तुम शुरू से मोल्स पे कैसे आ जाते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड से कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वुड बी इक्वल टू 3 मोल्स। कहाँ से आ गए? हाउ मोल्स आर इंटर रिलेटेड? मतलब मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया आपका। उसने सिंपल बोला है कि सेम करंट कैरी ओवर हो रहा है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे ना फेराडे लॉ से, तो मोल्स कहाँ से बीच में आ गए थे? ध्यान दो यार चीजों के ऊपर, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो आप उसमें बातें मत किया करो। बेटर आस्क द क्वेरीज टू मी। W/ECU विड बी इक्वल टू 3। ECU कितना है अब? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ECU? अच्छा एक मिनट, सॉरी, दिस विल नॉट बी, वेट वेट वेट, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 3, दिस विल बी इक्वल टू 6। इक्विवेलेंट 6 थे ना ऊपर, मतलब इक्विवेलेंट बराबर होंगे ना, इक्विवेलेंट तो 6 आए थे ना ऊपर। हाँ तो दिस वुड बी 6। नाउ ECU कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। हाँ बोलिए। 63.5 by 2। हाँ 63.5 डिवाइडेड बाई 2। सभी लोगों को ध्यान देना है कि अपनी कॉपी में अपने पेन से ये सब चीजें हों आप लोगों से। बस तो यहां से W निकाल लो, यही निकालना था, वेट ऑफ कॉपर। एनी डाउट टू एनीबडी? एनीबडी हैज एनी डाउट? जानकी क्वेश्चन नंबर 11 बताइए मुझे। आई गेव यू पीपल इनफ टाइम, आई टोल्ड 10, 11, 14। यस क्यों नहीं किया जानके अभी तक? आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, 10th कर रहे थे। 10th करने में इतना टाइम नहीं लगता है यार, इतना टाइम अगर लगाओगे तब तो हो चुके ये प्रॉब्लम्स। कल नहीं रहते ना, बैठ करके बातें कर रहे थे क्लास में सभी लोग। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सॉल्व कीजिए उसे, इतना टाइम वेस्ट करोगे तो यार कैसे काम चलेगा। यस नहीं, इट इज नथिंग लाइक कि वो आता या नहीं आता, मैंने ये पूछा ही नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन? एन ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स 12.5% ऑक्सीजन बाई वेट, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? ओके लेट मी राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ द क्वेश्चन। ऑक्साइड ऑफ अ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल का जो फॉर्मूला होना चाहिए मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए, M2O X।
y m2x. I have assumed the valency of the metal as plus x, and I have assumed the oxygen to be minus 2 oxide. तो m2x इसका फॉर्मूला हो गया. अब ये कह रहा है कि 12.5% ऑक्सीजन बाई वेट है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि 16x प्लस 2m प्लस 16x इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाई 100. राइट, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई टोटल वेट शुड बी इक्वल टू 12.5%. फिर ये कह रहा है कि ऑक्साइड वॉज कन्वर्टेड इन टू क्लोरिन बाई ट्रीटमेंट विद एच सी एल. तो एम टू ओ एक्स प्लस एच सी एल नौ जान के टेल मी किससे क्या बनना चाहिए इस रिएक्शन से अकॉर्डिंग टू यू. प्लीज कम बैक अगेन, आई कांट हियर यू. एम सी एल एक्स दिस वन. एक तो आपकी आवाज बहुत ही अजीब तरीके से आ रही है, आई डोंट नो व्हाई. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द मेटल दैट वुड बी डिपॉजिटेड एट कैथोड इफ अ करंट ऑफ दिस मच. तो करंट और टाइम दिया हुआ है उसमें. इट हैज गिवन यू करंट, इट हैज गिवन यू टाइम, सो यू नो क्यू. नाउ ही हैज टू गाइड टोल्ड यू टू आस्क द वैलेंसी ऑफ द मेटल. एक्स कैलकुलेट करना है आपको. नाउ टेल मी किस तरीके से होगा ये. नाउ टेल मी किस तरीके से होगा, दिस इज द होल क्वेश्चन. तो x तो बेसिकली अच्छा ओके m भी निकालना है ना आपको, ठीक है. तो मतलब वो तो एक इक्वेशन तो यहाँ पे लिखी हुई है बेसिकली. दिस इज ऑब्वियसली वन इक्वेशन, वो तो दिख ही रहा है साफ साफ. दिस इज ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर वन. How to find out the another equation? अच्छा तो एटॉमिक वेट तो इसने दिया हुआ है ना बेसिकली. वेट वेट वेट, एटॉमिक वेट तो इट हैज गिवन टू मी ना. ये तो 1112 भाई, इट हैज गिवन मी दिस इज 1112. तो x तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा. तो x इज ऑल्सो अनोन क्वांटिटी नाउ ना, राइट. अब इसने और क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेटल. तो अमाउंट ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे अब. बोलिए, व्हाट शुड आई राइट डाउन ऑन द बोर्ड, यू टेल मी दैट. डोंट लुक एट योर राइट और लेफ्ट, यू हैव टू गिव आईटीजेई इंडिपेंडेंटली. हाँ, कैसे निकालेंगे एम. वेट वेट ऑफ मेटल डब्ल्यू. हाँ बोलिए, व्हाट शुड आई राइट. वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड. प्लीज कम बैक अगेन. हाँ दोबारा बोलिए. यू आर सेइंग डब्ल्यू बाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एफ. हाँ नाउ टेल मी व्हाट. बोलिए. जानकी अंडरस्टैंड दिस. वेट वेट वेट, जानकी अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ यू लुक अगेन नाउ लेफ्ट और राइट नाउ फॉर होल ऑफ द ईयर, आई विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन सीरियसली.
बिकॉज आई डोंट लाइक एनी ऑफ माई स्टूडेंट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड. इफ यू रियली बिलीव कि तोशद आपसे आगे है ना, तो फिर मैं उसी से पूछता हूँ. फिर अपन आगे से पूरे साल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं आपसे. मुझे डिफीट एक्सेप्ट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं. W by E is equal to Q by F. अब इसमें बताओ आगे क्या करूंगा. हाँ बोलो. बोलो बोलो. हाँ तो उसके लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ना. वो कह रहा है कि मेटल डिपॉजिटेड, तो मेटल डिपॉजिटेड तो मतलब मेटल तो एम डिपॉजिट होगा राइट. अब एम कहां से आएगा? व्हाट वाज द वैलेंसी ऑफ एम? व्हाट वाज, हाँ एम की, हाँ तो एम, हाँ तो एम की वैलेंसी एक्स थी ना, तो एम एक्स प्लस, हाँ तो एक्स इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होंगे तभी तो मेटल डिपॉजिट होगा. हाँ अब आगे बोलो क्या करूं. आगे बोलिए व्हाट शुड आई डू फर्दर. माइक किसी एक जगह रख सकते हो आप लोग, किसी भी जगह सेंटर में रख दो, वो पूरा इतना वॉइस कैच करता है, सो यू पीपल कैन पुट इट एनीवेयर. किसी भी एक जगह उसको रख दो बस. हाँ जस्ट उसको डायरेक्शन रोटेट कर दिया करो तो वो कैच कर लेता है. हाँ बोलिए. डायरेक्शन बस जो भी पर्सन बोल रहा है उसकी तरफ कर दिया करो. हाँ बोलिए जानकी. एक्स नहीं, एक्स की तो ठीक है, एक्स इज अ नोन क्वांटिटी ना, वट एवर इट इज, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. मैंने कैलकुलेट नहीं किया बट ठीक है ना, वो तो नोन है. अब मतलब क्या करूं, मुझे वेट ऑफ मेटल निकालना है, वो कैसे निकालूं? अरे एन फैक्टर तो एक्स होगा ना, एंड एक्स इज अ नोन क्वांटिटी. पार्डन. प्लीज कम बैक अगेन. इस चीज को ध्यान रखो, अगेन यू आर कमिटिंग अ वेरी बिग मिस्टेक. यू नो व्हाट इज द वेरी बिग मिस्टेक? यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कैलकुलेशंस. मैं तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं, मुझे ना एक्स की वैल्यू पता है ना किसी और चीज की वैल्यू पता है. जो नोन है वो नोन है ना, वो तो मैं कभी भी कैलकुलेट कर लूंगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. डोंट फोकस ऑन द कैलकुलेशन, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. वी हैव टू डू 10 मोर क्वेश्चंस एंड दैट कैन बी डन ओनली व्हेन वी फोकस ऑन द प्रोसीजर्स, नॉट कैलकुलेशन. वो आप लोग कर लोगे, वी नो इट वेरी वेल. और ये एक तो वॉइस कम किया करो यार, 30-32 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए वॉइस. डू इट इमीडिएटली. बेसिक चीजें हमेशा ध्यान रखा करो यार. 30-32 पे इट्स अ वेरी गुड वॉइस क्लैरिटी, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. हाँ हाँ डेटा बताइए आप मुझे, क्या नोन है क्या नोन है, टेल मी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स ना, जो आपको नोन है. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक्स की वैल्यू क्या है. बोलिए. जानकी कैन यू गो एड इन द इक्वेशन विच इज रिटन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, और शैल आई स्टॉप डिस्कशन? कुड यू, आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट. कैन यू प्लीज गो एड नाउ हाउ टू फाइंड आउट द वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड? कैन यू प्लीज टेल मी इन दिस इक्वेशन नाउ? यानी कि इसके अंदर ऐसी क्या खास चीज थी यार? यू नो क्यू, यू नो एफ, ई आपको पता है 112 बाई एक्स होगा. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द डब्ल्यू एंड दिस विल बी योर आंसर. नाउ व्हाट वाज सो बिगर थिंग इन टू दिस? यानी कि व्हाट वाज सो, नहीं नहीं, इफ देर वाज नो सच बिगर थिंग इन टू दिस ना, एंड यू आर स्टिल वेरी हेजिटेंट एंड शाई काइंड ऑफ अ पर्सन That you don't want to discuss, तो मुझे बता दो आज के आधे पूरे साल आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा.
और लैग आप करोगे उसमें ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज आई वेरी वेल नो दैट यू न्यू दिस, ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं आता था. स्टिल इफ यू आर नॉट आंसरिंग लेट मी नॉट वेस्ट माई टाइम. मैं क्लियरली बता रहा हूँ इस चीज को, ये तोशाद है ना, ये इसीलिए जिंदगी में आगे निकलता जाता है. ही डिस्कसेस ईच एंड एवरीथिंग. अपने को जेई एडवांस में सेलेक्ट होना है नहीं होना है यार, या अपने को मान के चलना है कि ये जिंदगी में हमेशा ही आगे रहेगा. आपको ये आता था या नहीं आता था, यू टेल मी दिस, देन व्हाई डिडंट यू टेल दिस. जानकी इट्स नॉट अ जोक, इस बात को समझो, इट्स अ पॉइजन फॉर योर करियर इफ यू आर डूइंग दिस. बिकॉज आप प्रोफेसर से अगर इंटरेक्ट ही नहीं करोगे ना तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे. मैं भी बता रहा हूं, सबसे खराब चीज होती है जिंदगी में डिपेंडेंट होना बाकी लोगों पे, कि ठीक है यार ये बाकी लोग डिस्कस कर लेंगे और इनके थ्रू हम लर्न कर लेंगे. दिस इज द मोस्ट बैड थिंग एवर एनी पीपल कैन हैव. एनी वे लेट मी लीव दिस एंड लेट मी मूव अहेड. आप देखो आपकी जो इच्छा हो करो. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14. हेली क्वेश्चन नंबर 14. नहीं ट्राई तो अपन अभी कर लेंगे. क्वेश्चन पढ़ते हैं ना. अ करंट ऑफ 1.7 एम्पियर इज पास थ्रू 300 ml ऑफ 0.16 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. तो करंट दिया हुआ है उसने आपको, इट इज गिवन यू आई. देन इट इज पास थ्रू 300 ml ऑफ 0.16 मोलर जिंक सल्फेट. 300 ml ऑफ, एक सेकेंड जस्ट वेट. हंड्रेड एम एल ऑफ 0.16 मोलार ऑफ जिंक सल्फेट. फिर से काफी ज्यादा नॉइस आ रही है एक भाई. ओके चलो माइक को किसी एक जगह रख दो इस टेबल, वो माइक भी बार बार मूवमेंट लेता है तो अननेसेसरी की नॉइस कैच करता है. किसी एक जगह रख दिया करो आप लोग. हाँ 300 ml ऑफ, हाँ नाउ इट इज फाइन ना. 300 ml ऑफ 0.16 मोलार ऑफ जिंक सल्फेट एंड फॉर 230 सेकेंड्स. ठीक है टाइम दिया हुआ है आपको इसने, टाइम इज गिवन टू यू. करंट एफिशिएंसी इज गिवन टू यू, करंट एफिशिएंसी 90% दी हुई है. चलो इसने फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ जिंक 2+ आफ्टर डिपोजिशन ऑफ जिंक. तो मोलारिटी ऑफ जिंक 2+ आफ्टर अच्छा जिंक इसमें से कंज्यूम हो जाएगा तो उसने पूछा है कि कितना बचेगा, उसकी क्या मोलारिटी होगी. हाँ तो हेली अब बताना स्टार्ट करो, आपके सामने ही है क्वेश्चन विज आई क्यू बोर्ड पे. उसने पूछा है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+. तो शायद आराम से बैठ जाया करो यार क्लास में, अननेसेसरी नॉइस मत क्रिएट किया करो. यस हेली. हाँ क्लास के बाहर इतने नॉइस क्यों है इस समय? ओके सर चार्ज निकल जाएगा? हाँ चार्ज निकल जाएगा डेफिनेटली, नो डाउट. वो तो आई और टी पता है तो क्यू पता है आपको, बिल्कुल ठीक है. व्हाट नेक्स्ट सर? तो फिर वेट ऑफ जिंक मिल जाएगा? वेट ऑफ जिंक कैसे मिलेगा वो नहीं समझ में आया सर. W बाय इक्वल टू Q बाय F.
नो, नाउ द इशू इज, सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान रखो, ये क्यू है ना, अगर इसकी वैल्यू लेट से एक्स आती है तो यहाँ पे ये जो क्यू होगा इसको आपको रखना पड़ेगा 0.9x, क्योंकि एफिशिएंसी 90% है ना, जो यूज हो रहा है वो 90% ही यूज हो रहा है, 10% तो वेस्ट हो रहा है, राइट right? तो ये एक्स पता है, ये एफ पता है, अब ई क्या होगा? सर ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक बाय टू। एटॉमिक मास ऑफ जिंक बाई टू। मेरी शक्ल देख के डल जाते हो क्या तुम लोग यार? जानकी के केस में यही था, सब कुछ आते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या मैं दिखने में काफी डरावना लगता हूँ क्या? हाँ? चलो गया, ई इज इक्वल टू 65/2 आएगा है ना, और डब्ल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो डब्ल्यू निकल जाएगा तो उससे होगा क्या बेसिकली? सी अगेन, मुझे ये चाहिए नहीं है यार, ये ई की वैल्यू यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब तुम्हें डब्ल्यू बाई ई निकालना है ना मैडम? अरे फाइनली कंसंट्रेशन निकालनी है तो वेट क्यों निकाल रही हो? डब्ल्यू बाई ई लेट से दिस इज इक्वल टू वाई, ये यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब इक्वल एंड इक्वल टू मोल्स इन टू एन फैक्टर होता है ना, तो मोल्स कितने आएंगे? ये तो इक्वल एंड कंज्यूम्ड आए, तो मोल्स कंज्यूम्ड वाई बाई टू आएंगे। वाई बाई टू, वाई बाई टू मोल्स कंज्यूम्ड वाई बाई टू आएंगे ना, इक्वल एंड इक्वल टू मोल्स इन टू एन फैक्टर, तो वाई बाई टू इज द मोल्स कंज्यूम्ड। अब इनिशियल कितने थे? देखो इनिशियल थे 16 इंटू 3, ये 48 थे ना, मतलब मिली मोल्स, राइट right? तो फाइनली कितने बचेंगे? 48 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड देन माइनस वाई बाई टू, राइट, और डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम था कितना था? 300 इंटू 10 टू द पावर -3 था, बस तो हो गया ना, दिस इज द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक ना, जितना इनिशियल था उसमें जितना कंज्यूम हो गया वो सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने अपॉन वॉल्यूम, दिस इज योर आंसर। जिंक 2+ फाइनल निकालना था ना मुझे, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके तो अब ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 15 में तो टाइम लगेगा, अब बीच में एक दो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक हर एक क्वेश्चन आपकी रफ कॉपी में सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है, यूट्यूब पे मेरे तो सारे लेक्चर अपलोडेड हो जाते हैं, देखिए दोबारा सॉल्व कीजिए, बट नेक्स्ट लेक्चर में स्टेज हैज टू बी कि सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक आप बिना देखे सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? सेकेंड, नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? कल तो 20th है, कल 20th है ना, कल नहीं होगा, 21st, लेट मी सी व्हाट आई एम डूइंग, 20 मतलब मैंने शेड्यूल में नहीं लगाया, बट आई वुड बी एबल टू टेक इट ऑन 21st 22nd है ना, तो बीच बीच में मैं वही शरद सर से लेता रहूंगा, मैंने शेड्यूल में तो शरद सर के लेक्चर्स लगा रखे हैं क्योंकि वो फिजिक्स मैथ्स का उनका पार्ट चल रहा है, बट टुमारो आई एम नॉट फ्री, 21st 22nd आई विल बी, 22nd मेरे को वैसे भी वहाँ आना है अंकलेश्वर, तो मैं थोड़ा जल्दी भी आकर के वहाँ पे भी आके ले सकता हूँ, देन 21st इज टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग ना, हाँ तो आई विल बी बैक, तो 21st ऑल्सो आई वुड बी, 10 बजे से तो शायद ले सकता हूँ मैं, तो आपके पास कल का दिन है ये 1 to 14 करने के लिए, और 1 to 14 बिना देखे रफ कॉपी में सॉल्व करना, मैं फिर से बता रहा हूँ इतना आसान काम नहीं है, लेट मी टेल इट टू यू वेरी क्लियरली, उसके लिए आपको 2-3 घंटे मतलब लगाने पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि उसमें बहुत रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन सी कैसे लिखनी है, उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने का भी सेंस तभी बनेगा जब वो आप बिना देखे रफ कॉपी में सॉल्व कर सकते हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि नहीं हो रहा है वापस यूट्यूब पे जाके सॉल्यूशन देखो उसका, तो ये कल कल के दिन में हो जाएगा क्या? बाकी सारे काम जितने भी आप लोगों के पास अवेलेबल हैं उसको देख करके मुझे बताओ। यू हैव टूडेज डे अवेलेबल, आज स्टे बैक में ले ही नहीं रहा हूँ इसीलिए, और कल का दिन है, कल भी तुम्हें चाहिए तो स्टे बैक, नहीं चाहिए तो बता दो, दैट वी कैन डू, बट मुझे एग्जैक्टली बता दो अभी, बिकॉज परसों सुबह तक ये हो जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं तो फिर आगे चैप्टर प्रोसीड करना मुश्किल होगा। नहीं जानकी तो कर लेगी, वो बताती नहीं है, वो कर सब कुछ लेती है, तो तुम लोग अपना बताओ। जानकी क्या थोड़ी लड़कियों वाली नेचर है, तो वो थोड़ा हेजिटेट करती है, बताती नहीं है बस। सर कल स्टे बैक
हाँ तो ठीक है, मैं बोल दूंगा शरद सर को कल स्टे बैक मत करना, लेकिन जितना भी काम है फिजिक्स मैथ्स में भी क्या चल रहा है अभी, व्हाट इज हैपनिंग इन फिजिक्स एंड मैथ्स, कहाँ तक क्या हो गया? फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया। तो उसकी एनसीईआरटी आप लोग, तो आप लोगों ने सॉल्व की उसकी एनसीईआरटी? सी आई जस्ट वॉन्ट कि एनसीईआरटी में या जेई मेंस के क्वेश्चन बैंक में सर ने जो भी करवाया और मैंने जो 14 क्वेश्चन है, बल आज और कल स्टे बैक मत करो, लेकिन ये पूरा काम कंप्लीट कर लो यार, है ना, क्योंकि बेसिकली वही सैटरडे हॉलीडे रख के फिर संडे को टेस्ट आ जाएगा, तो आई वॉन्ट कि मतलब वो बहुत अच्छे से दो आप लोग, ठीक है? मैं शरद सर को बोल दूंगा कल स्टे बैक मत करना, ठीक है? राइट। और सब लोग, अरे बातें करना बंद करो यार, और सब लोग एक काम करना, जानकी के घर पे चले जाना, वहां बैठ के पढ़ाई करना। तुम्हें क्या हो गया तुषार? हाँ बोलो ना, तुम्हें क्या हो गया? वो पूछ, हाँ वो पूछ लो, वो तो तुम बात कर लो सर से, है ना, बाकी सब लोग जानकी के घर जाके पढ़ाई करेंगे, है ना, ठीक है, चलो बाय। भव्य कहाँ है? भव्य अंकल कहाँ है?